जय साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक छोटा कहें या महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है भारत के संविधान की उद्देशिका। इसे प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, और आपकी परीक्षा में प्राय ऐसे सवाल आता है। अगर हम ये बात करें कि उद्देशिका से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे सवाल होते हैं, तो इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब एक सवाल हम लोग आपसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका था, इसे प्रस्तुत किसने किया था? इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा सवाल, इस उद्देशिका को कब भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था? दो ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा, यह उद्देशिका कहां से लिया गया है? उद्देशिका की भाषा कहां से लिया गया है? दो प्रश्न हो गए, उद्देशिका कहां से लिया गया है, उद्देशिका की भाषा कहां से लिया गया है। हम भारत के लोग, यहां पर एक शब्द आपके सामने आया होगा, हम भारत के लोग। तो ये सवाल है कि जो हम भारत के लोग हैं ये कहां से लिया गया है, ये भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि हम भारत के लोग हैं कहां से लिया गया। दूसरा, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में कहां के संविधान से लिया गया है, एक ऐसे प्रमुख टॉपिक है। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप सभी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का याद होनी चाहिए। जैसे इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी हम आपको जरूर कराएंगे। जैसे हम भारत के लोग, याद कर लीजिएगा आप सभी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्त की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी अर्थात मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द है, इसका मतलब है भारत के ऊपर किसी अन्य देश का कोई भी ताकत शक्ति काम नहीं करेगा। सर्वशक्तिमान हमारा देश है, हमारे देश की संसद है, हमारा संविधान है, उसके ऊपर दुनिया में भारत में कोई चीज नहीं है, मतलब भारत का संविधान सर्वोच्च है। हम भारत के लोग माने 130 करोड़ से ज्यादा हम सभी का प्रतिनिधित्व करता है। समाजवादी माने सभी को न्याय की जो हम बात करते हैं, जैसे समाजवादी का मतलब सभी को समान अवसर उपलब्ध करा, जैसे सरकारी स्कूल है सभी के लिए, सरकारी अस्पताल है, सरकारी बस है, तो जो समाजवादी माने ऊंच नीच गरीब अमीर की जो खाई कम करने के लिए, वो समाजवादी व्यवस्था है। पंथ निरपेक्ष, हमारे देश का हमारे भारत का कोई एक धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन ईसाई पंजाबी बौद्ध, सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, सभी के त्यौहार मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ रहते हैं, हम अनेकता में अनेकता का उदाहरण है। लोकतंत्रात्मक है गणराज्य, लोकतंत्रात्मक मतलब हमारे देश में जनता द्वारा चुनी सरकार हम पर शासन करती है। गणराज्य, यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है यह वंशानुगत नहीं होता, बल्कि एक निश्चित समय अवधि के लिए एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इस प्रकार हमने देखा विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी हमारे यहां है। एक बात और है कि भारतीय जो संविधान है किस तारीख को ये अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 का। आइए उद्देश्य से जुड़े बहुत सारे और तथ्य को हम पढ़ते हैं। आप सबसे पहला काम इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी साथी इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपके सामने शायद कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो वो लोग भी क्या करिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर से रख लीजिएगा। क्या आप ठीक है, जितने भी साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने स्क्रीनशॉट कर लिया? ठीक है, अब इससे जुड़े हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे जो इलेनी बी दुर्गेश के नोट्स में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य, जहां से आपके
परीक्षा में सवाल आते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है संविधान की प्रस्तावना, ये आप सभी को पढ़नी है संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना संविधान का परिचय उस भूमिका को कहते हैं जो संविधान का सार प्रस्तुत करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो भारतीय संविधान है वो संविधान, जो भारतीय अगर हम संविधान की बात करें तो पूरे जो प्रस्तावना है ये उसका सार प्रस्तुत करती है। माने जो प्रस्तावना है ये कुंजी है, ये आत्मा है। लेकिन अगर पूरे संविधान की बात करें तो जो पूरे भारतीय संविधान का ये सार प्रस्तुत करने का काम करती है। प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से? हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग शब्द है ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और हम ये बात करेंगे कि आप सभी लोग के लिए ये महत्वपूर्ण, यहां से आपके परीक्षा में प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। अब हम और आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। माने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उसी पर आधारित है। कभी कभी सवाल आता है कि प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था, तो जो ये प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था वो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही आगे चलकर प्रस्तावना बनता है। इसलिए इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम उद्देश्य का के नाम से जानते हैं। प्रिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फिर उसे परिवर्तन को प्रस्तावना के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया। अभी तक एक सवाल आता है कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट पढ़ लेते हैं जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। पहला, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने की संकल्प लिया गया था? अगर हम उद्देशिका की बात करें, अगर प्रस्तावना की बात करें, तो जो मूल प्रस्तावना था उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, मतलब ऐसी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कही गई थी मूल उद्देशिका में। लेकिन बेलसिस संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में तीन शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? तीन शब्द। ये परीक्षा में पूछा जाता है। और संशोधन केवल एक बार हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। ये पूछा जाता है उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। कौन कौन शब्द थे? एक था समाजवादी, पंधरपिच, अखंडता। तीन शब्द जोड़े गए हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये बेलसवे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन अगर मूल संविधान की हम बात करते हैं, अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आप टेलीग्राम पर आप जुड़े रह सकते हैं। ये निशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में मेरे द्वारा एक गेस्ट के रूप में आपके लिए लाया जाता है। हम लर्निंग विद दुर्गेश चैनल का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जहां से मुझे आपके लिए चीजें लेकर आना पड़ता है। किस वाद में कहा गया कि संविधान उद्देश्य का, संविधान के उद्देश्य का उसका अंग नहीं है? तो इनरी बेरुबारी के मामले में कहा गया कि संविधान की उद्देश्य का उसका अंग नहीं है। फिर आगे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी उद्देश्य का कहा गया। माने जो उद्देश्य का था इसे क्या कहा गया कि जो संविधान के निर्माणकर्ता थे उनके ये विचारों की कुंजी थी, उनकी सोच की कुंजी थी हमारी उद्देश्य का प्रस्तावना। यहां से सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। किस मामले में, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि जो भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ये मोस्ट आईएमपी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर आपने इलन बी दुर्गेश का नोट्स अभी नहीं पढ़ा तो अभी दूर है आप। आगे कहा गया किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? तो केशवानंद भारती के वाद में ही प्रस्तावना में भी संशोधन का प्रावधान किया गया। संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया? माने आज का भारत वर्तमान प्रस्तावना में किस प्रकार से घोषित किया गया? तो कुछ इस प्रकार से था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र
गणराज या लोकतांत्रिक गणराज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, यह क्रम से सजाने के लिए आपके परीक्षा में आता है, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है कौन सा क्रम नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए, अभी इसके पहले हमने प्रस्तावना आपको पूरा पढ़ा के बता के समझा दिया, ताकि फिर भी कभी भी यहां से आपकी गलती ना होने पाए। अब हम और आगे चलते हैं, यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो जरूर आप पूछिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। और आगे बढ़ते, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा या हृदय कहलाता है, तो संविधान की प्रस्तावना। लेकिन अगर अंबेडकर शब्द का प्रयोग कर दे कि अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, अगर बात अंबेडकर जी की आ जाए, अगर यहां पे अंबेडकर शब्द आ जाए, अगर अंबेडकर शब्द आ जाता है तो अनुच्छेद 32 आत्मा वह हृदय इन्होंने कहा था, अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा तो संविधान की प्रस्तावना, अगर ऐसे पूछेगा तो प्रस्तावना या उद्देश्य का, ठीक है, संविधान की आत्मा। विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कौन बना, दुनिया का पहला पंथनिरपेक्ष राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो आप यहां से देखिए, आप इसके स्क्रीनशॉट करते चलिए, या आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आपको सभी प्री क्लास नोट्स मिलते रहेंगे, मेरी भी और बहुत सारे क्लास टीचर हैं उनकी भी नोट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, एक सवाल आता है कि जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है, यहां पर राज्य का मतलब भारत से है। इसे राज्य के चार प्रमुख लक्षण होते हैं, निश्चित भूभाग, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या, एक सरकार, चौथा संप्रभुता है। तो राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, इसे भारत के ऊपर किसी और देश का, जैसे कब आपकी नियुक्ति होनी है, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, यह भारत तय करेगा, हमारा राज्य तय करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार तय करेगी, यह अमेरिका तय नहीं करने आएगा। तो यही हमारे देश का जो संविधान है वो सर्वोच्च है और उसी के अधीन हम सब हैं। संविधान के उद्देश्य का अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार, कब, 1976 में, केवल एक बार संशोधन हुआ है, कितनी बार, एक बार, वो भी कब, 1976 में, कैसे, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार ही उद्देश्य का में अभी तक संशोधन हुआ है। आगे, भारत कब एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो 26 जनवरी कब बना, 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, माने इस दिन से जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष था वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने के लिए तैयार हो गया था। आगे हम देखते हैं और कौन सा की पॉइंट है जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं, तो वो है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा, संविधान सभा के माध्यम से, भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से अंगीकृत किया गया। भारत में संप्रभु कौन है, ये प्रश्न आता है, भारत में संप्रभु कौन है, तो इसका उत्तर होगा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हम भारत के लोग संप्रभु है। हम भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और सभी धर्मों के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ रहते हैं। आप लोग इस संविधान की जो सीरीज है इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा, ये सभी क्लासेज आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल रही हैं क्रमवार रूप से, और अगर अभी नहीं मिल रही हैं तो अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ सभी क्लास नोट्स आपको मिलती रहेंगी, मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध करा जाते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार, और अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एक सरकारी नौकरी का सपना सजोए हैं, तो प्रतिदिन इसी तरह संविधान की सीरीज में पढ़ते रहिएगा, एक एक करके हम आपको संपूर्ण भारतीय संविधान समाप्त कर देंगे
पढ़ाकर समाप्त करेंगे ताकि आपका भी संविधान पूरी तरह से तैयार हो जाए और आप भी पूरी तरह से जब भी प्रश्न आए तो सारे प्रश्न आपके सही हो, क्योंकि हम सिलेबस के आधार पर काफ़ी चीज़ें लेकर आते हैं ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके। थियरी है, कुछ महत्वपूर्ण MCQ है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक करके क्रमवार रूप से। मेरा सवाल आप सभी से है कि आप सभी को पूरा उद्देश्य का याद है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। इसके बाद कुछ और सीरीज पढ़ेंगे, एक एक करके क्रमवार रूप से हम भारतीय संविधान को खत्म करते रहेंगे, ठीक है? क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगली क्लास में क्या पढ़ना चाहेंगे कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ये मेरी जिम्मेदारी जब समाप्त होती है तो उसके आगे आपकी भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? वीडियो को शेयर करना आपका काम है। थैंक यू, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे e-learning with दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। e-learning with दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही e-learning with दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे e-learning with दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। e-learning with दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012।